तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस एक और अमेजिंग से वीडियो के साथ। और गाइस आप देख सकते हो मेरे पास क्या है। तो यस गाइस, हमारे पास है डुओ यूरेनस। और गाइस ये कोई नॉर्मल डुओ यूरेनस नहीं है, इस पे लगा हुआ है बीडी मतलब बियरिंग ड्राइव। तो यस गाइस, ये डुओ यूरेनस कॉम्बो होने वाला है गजब का, और इसकी करेंगे कुछ बेस के साथ बैटल। तो इधर पे हमारे पास कुछ बेस है कि करके यूज करेंगे, लेकिन गाइस इससे पहले हम ये कॉम्बो यूज करें मैं आपको बता दूं, आप लोगों में से सबको ये कॉम्बो पता होगा ऑलरेडी। ये गाइस एक टॉप टियर कॉम्बो है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन गाइस ये डुओ फ्यूजन व्हील की वजह से गाइस ये बियरिंग को खराब कर देता है। अगर इस पे कोई अटैक टाइप अटैक करता है गाइस तो धीरे धीरे करके ये बियरिंग खराब हो जाता है। तो गाइस इसको अटैक टाइप के साथ यूज करना अवॉइड करना, और गाइस इसको कम से कम ही इस कॉम्बो को यूज करें क्योंकि आपकी बियरिंग को खराब कर सकता है। तो जब तक कम्पिटिटिव पर्पस के लिए अगर एक दो बार आपको यूज करना है तो कर सकते हो, प्रैक्टिस बैटल्स के लिए मत यूज करो तो ज्यादा अच्छा है। और उसका रीजन ये है गाइस कि जब ये ऐसे बेब्लेड होता है और इस पे कोई बेब्लेड अटैक करता है तो ये टिल्ट होता है, और टिल्ट होने के चक्कर में ऐसे ऐसे करके मोशन के चक्कर में ये बियरिंग को धीरे धीरे करके बर्बाद कर देता है, और वो फ्री स्पिन आपके बेब्लेड में नहीं रह जाता है। तो यस गाइस, ये थोड़ा सा खराबी है डुओ फ्यूजन व्हील के साथ यूज करने की, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अभी के लिए अपन करते हैं बैटल। तो यस गाइस, इससे पहले बैटल स्टार्ट करें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर हो आप इस चैनल पे नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो यार। तो गाइस बहुत स्लो सब्सक्राइब बढ़ना है इसलिए जरूर करो। तो चलो गाइस, ये हो गई सारी बात, अब स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो पहला बे गाइस हम यूज करने वाले रे गिल, चलो देखते हैं क्या रे गिल को हरा पाएगा, और कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से गाइस। रे गिल जैसे बेस को तो आसानी से डिफीट कर देगा मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं गाइस कैसा होता है बैटल। ओहो गाइस, नॉक ही आउट कर दिया सीधा। तो यस, डुओ फ्यूजन व्हील पावरफुल है यार, क्या बात है, मजा आ गया। अब गाइस नेक्स्ट वे यूज करेंगे अर्थ ईगल। तो अर्थ ईगल काफी ज्यादा पावरफुल है, देखते हैं अर्थ ईगल के साथ कैसा परफॉर्म करेगा। और एक्सपेक्टेशन तो है मेरी कि गाइस जीत जाए, लेकिन अर्थ ईगल भी कोई कमजोर बे नहीं है, तो टक्कर तो होने वाली है अच्छी यहाँ पे। चलो गाइस देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं दोनों, काफी मजा आने वाला मेरे हिसाब से। तो कम ऑन गाइस, कम ऑन। और ये गाइस काफी अच्छी टक्कर, वाओ मजा आ गया गाइस, दोनों हेड टू हेड जा रहे हैं, अभी तक कोई भी स्लो नहीं हुआ है, कमाल की बात है। और इससे पता चलता है यार ईगल कितना पावरफुल बे है। वाओ गाइस, गजब परफॉर्मेंस ईगल के द्वारा गाइस, पर थोड़ा सा स्लो होने लगा ईगल। डुओ पे गाइस अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, देखते हैं कहाँ तक ईगल चल पाता है। और गाइस अब डुओ भी स्लो होने लगा है, मुझे लगा नहीं था ईगल डुओ को स्लो कर देगा। और गाइस काफी क्लोज लग रहा है ये, ऑब्वियसली गाइस डुओ आखिरी में जीत जाएगा, बट फिर भी काफी तगड़ा परफॉर्म किया यार ईगल ने, इतना स्लो कर दिया इसको यार, मजा आ गया। तो गाइस ईगल में तो बात तो है कुछ ना कुछ। तो चलो गाइस अब नेक्स्ट बेल आते हैं हेल क्राउन, और ये मेरा हेल क्राउन है D125 के साथ, येलो वाला कॉम्बो है। चलो देखते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए इसको भी गाइस मेरे हिसाब से, बैलेंस टाइप है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। और अब गाइस हुआ पहला कॉन्टैक्ट, और गाइस लगता है हेल क्राउन की हार ही होगी इसमें, जीत होते हुए लग नहीं रही मुझको। तो ऑब्वियसली इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है यार, इतनी आसानी से कोई बे थोड़ी जीत जाएगा, जबकि हेल क्राउन कोई कमजोर बे नहीं है गाइस, तगड़ा बे है। और हेल क्राउन को बड़ी आसानी से हरा दिया गाइस, क्या बात है, काफी पावरफुल है यार ये कॉम्बो डुओ यूरेनस विद बीडी। अब गाइस नेक्स्ट में यूज करेंगे जो कि थोड़ा सा पावरफुल होने वाला हेल क्राउन के कंपैरिजन में, और ये है हेल करबैक्स। तो गाइस देखते हैं कि क्या हेल करबैक्स को भी इतनी आसानी से हरा पाएगा ये या नहीं। तो चलो गाइस करते हैं, और ये मेरे हेल करबैक्स का गाइस थोड़ा सा टिप घिस गया है, तो थोड़ा सा अग्रेसिव ये ज्यादा है, तो यहाँ आएगा मजा। और देखिए अग्रेशन देखने को मिल रहा है ऑब्वियसली, तो कोई डाउट नहीं यार ये कॉम्बो तगड़ा है, लेकिन देखते हैं फिर भी क्या होता है आखिर में, कुछ भी हो सकता है गाइस यहाँ पे। क्या बात है, अमेजिंग। और गाइस काफी स्लो किया है इसने हेल क्राउन ने, सॉरी हेल करबैक्स ने इसको, स्पीड कम होने लगा इसका। जीतेगा तो नहीं मुझे पता है, क्योंकि गाइस बीडी एक लैड ड्राइवर है, तो आखिरी तक वो टिका रहता है।
फिर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस। हेल करवेक्स ने गाइस हेल क्राउन से तो अच्छे परफॉर्म किया है, काफी स्लो कर दिया गाइस, मजा आ गया। यस गाइस गजब है, हेल करवेक्स अवेकन बोल सकते हैं इसको हम लोग, काफी छोटा टिप बचा है अभी। तो चलो गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट ये अब यूज करेंगे बसाल्ट मेटल फेस के साथ, देखते हैं ये हरा पाएगा कि नहीं। मुझे लगता है अच्छा कोशिश तो करेगा ही, भले हरा ना पाए लेकिन अच्छा पावर होगा गाइस, क्योंकि गाइस बसाल्ट ऑलरेडी एक तगड़ा बे है और मेटल फेस के साथ तो काफी अच्छा होने वाला है मेरे हिसाब से। बाकी गाइस देखते हैं क्या होता है। और बसाल्ट थोड़ा अग्रेसिव सा हो रहा है, दूरी कम होती जा रही दोनों के बीच की, और गाइस अब होने लगी है टक्कर, देखते हैं कौन पहले रुकेगा। बसाल्ट गाइस होने लगा धीमा और लगता है गाइस ओरायन बहुत आसानी से जीतने वाला है, सॉरी डुओनस। देखते हैं गाइस कौन जीतेगा ये बैटल। काफी अच्छा परफॉर्मेंस बसाल्ट के द्वारा गाइस, मजा आ गया। अरे गाइस बसाल्ट जीत गया आखिरी में, क्या बात है। तो याद कर लो बसाल्ट मेटल फेस के साथ हरा दिया गाइस, क्या बात है, मजा आ गया। मेरा तो यार गाइस एकदम मतलब मैं देख के शॉक्ड हो गया हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे पॉसिबल है यार, इतना मतलब इतना तगड़ा परफॉर्म करता है बसाल्ट मेटल फेस के साथ, इसको हरा दिया, वाओ गाइस। तो गाइस आप बताना आपको कैसा लगा ये कॉम्बो, दोनों ही मतलब ये तो किलर ही हो गया और ये भी, और इसको ना ही यूज करना, कम कोशिश करना, कम यूज करो। तो यस गाइस आज के लिए इतना ही था और हम मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेडिंग।